नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। जयपुर में जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई आयोजित। तुलसी पूजन कर राजस्थान प्रदेश कार्यालय जनता पार्टी का किया उद्घाटन। प्रताप नगर जयपुर में जनता पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, जहां कई प्रस्ताव पास किए गए। नेशनल काउंसिल की बैठक से पूर्व विधिवत तुलसी पूजन कर राजस्थान प्रदेश कार्यालय जनता पार्टी का उद्घाटन आगामी विधानसभा चुनावों के लिए किया गया। नेशनल काउंसिल की बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से नवनीत चतुर्वेदी को पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना। चतुर्वेदी अभी वर्तमान अध्यक्ष भी हैं जनता पार्टी के। उन्हें एक नया कार्यकाल जनवरी 2023 से जनवरी 2025 अवधि के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया। इसी मीटिंग में नेशनल काउंसिल ने राजेश मंगल को प्रधान महासचिव, आनंद सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सरमुख सिंह को कोषाध्यक्ष, रोहित कुमार को राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, कुणाल सोफाट को पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, तरुण दत्सेना को छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष, जितिन शाह को गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, पीयूष पटेल को राष्ट्रीय महासचिव, सर्वेश पांडे को राष्ट्रीय महासचिव, आशिमा खन्ना को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, राजेंद्र वल्लभ उड़ीसा प्रदेश अध्यक्ष, सुजीत चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष, इन सभी को संगठन में उक्त पद पर बनाए रखने का निर्णय किया गया है। अवसर पर अजीत सिंह चौधरी, बबीता शर्मा, भूमिका सचदेवा, मीनाक्षी खींची, रश्मि याग्निक, रघुराज, दौलत सिंह, अशोक कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। और जनता पार्टी जो है राजस्थान के अंदर चुनाव में उतरने जा रही है और आज हमने 25 दिसंबर के दिन हमारा जनता पार्टी का राजस्थान का प्रदेश कार्यालय हमने यहाँ प्रताप नगर सेक्टर 8 में, जहाँ पे अभी आप लोग हैं, यहाँ पे अभी आज हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है और हम लोग जल्द ही प्रदेश में संगठन स्तर पे नियुक्तियाँ करेंगे और जनता पार्टी को अगले 2-3 महीने में, 4 महीने के अंदर अंदर हर जिले के अंदर इसका संगठन स्तर पे हम बनाते हैं और आगामी असेंबली के अंदर हम लोग पूरी ताकत लगा करके यहाँ पर उतरेंगे। तुलसी पूजन हमने इसलिए उठाया है कि तुलसी पूजन को यदि आप हमारे हिंदू संस्कारों में तुलसी हमेशा से पूजनीय रही है, हर घरों में तुलसी लगाई जाती है, सुबह शाम अगरबत्ती दिया धूप तुलसी जी को दिखाया जाता है। तो जिस तरह से माँ बाप की या भगवान की पूजा करने का कोई दिन नहीं होता, हरी दिन हम लोग माँ बाप की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसी तरह से तुलसी की भी पूजा हुई है। आज हमने प्रदेश कार्यालय में जब हमने आज ओपनिंग की है, ओपनिंग करते टाइम आप हम लोग कोई तो शुभ काम करेंगे, जैसे एक आदमी नारियल फोड़ता है, कोई गणेश जी को बैठाता है, तो हमने तुलसी जी की पूजा कर ली। अब आप इसमें आप ये कहोगे कि जी साहब, आसाराम बापू जी ने कहा था कि तुलसी पूजन दिवस है, तो आसाराम बापू जी का और इसका तुलसी पूजन का रिलेट करना केवल इतना ही है कि तुलसी पूजन होनी चाहिए, हर हिंदू करता है, हर आदमी करता है, तो क्यों नहीं करना चाहिए। और जो आदमी तुलसी पूजन का विरोध करते हैं, उन सब के बच्चे अच्छे अच्छे गवर्नमेंट स्कूलों में, मिशनरीज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में भेजेंगे और फिर यहाँ पे आके कहेंगे कि साहब तुलसी पूजन दिवस क्यों मना, गवर्नमेंट स्कूलों में, मिशनरीज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट स्कूलों में भेजेंगे और फिर यहाँ पे आके कहेंगे कि साहब तुलसी पूजन दिवस क्यों मना रहे हो, मनाएंगे। मैं नवनीत चतुर्वेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी। ये अभी जो तुलसी पूजन आप जो कर रहे हो, तो जैसे कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हिंदुत्व के वोट की तरह? सर देखो, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो डेफिनेटली जो हमारे जो संस्कार हैं, जो हमने जन्म से हमारे घरों में देखे हैं, वो तो हम ऑब्वियसली करेंगे, लेकिन उस सब के साथ साथ मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, मेरे अंदर इंसानियत भी है और संभव कि भाई अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं हिंदू हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और दूसरी जाति या किसी दूसरे धर्म के साथ में मैं अन्याय करूँ। सर यदि देखिए, पार्टी के अंदर हर तरह के, हर रिलीजन के लोग आते हैं, मेरी पार्टी में मुस्लिम भी हैं, क्योंकि अभी पार्टी दोबारा से रिबिल्ड हो रही है, आज हमारे पास में क्रिश्चियन नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान में क्रिश्चियन काफ़ी कम
तादाद में, हमारे पास में सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। तो जब भी हमारे को त्यौहार होते हैं, मैं खुद मस्जिदों में भी जाता हूँ, मैं खुद ईद वाली ईद के त्यौहारों में भी जाता हूँ। कुल मिला के ईसाइयों के वोट भी ईसाइयों के वोट भी ले लेंगे।